से, बहुत ज्यादा खुश है। नौकरी छोड़कर सर आपके पास आए हैं, आपसे बात होकर कभी नहीं सोचे थे, इसीलिए आप नौकरिया मत, नौकरिया मत छोड़िए। आपको आपके दिल में बसने वाले, आपको आप लोगों को भी अपने दिल में रखने वाले बहुत ही शांत स्वभाव के एक किसान का बेटा, जो छोटे से गांव से निकल करके भोजपुरी का नाम पूरे विश्व में किया है, उसके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। करीब 70-80 जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, सारे लोग आज पहली बार एक मंच पे इकट्ठा हुए हैं। और पवन जी, आपने जो इतना बड़ा काम किया है इन सारे भाई को एक मंच पे लाने का, एक बार पवन भैया, आज नो डाउट जितने यूट्यूबर यहाँ पे हैं, मैं चंदन और मैं क्या कहूँ, जितनी दफा आपसे मिला हूँ एक पॉजिटिव वाइब मिली है, तो वो लगा है कि ये सब कुछ किसी जो सच्चे कलाकार हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है। और आज जितने यूट्यूबर भाई हैं, कईयों ने एक भोजपुरी भाषी नहीं है लेकिन वो कोलकाता की है, तान्या है, उन्होंने आपकी तस्वीर को अपने हाथों पे लगा रखा है और उन्होंने कहा कि भाई मैं पवन जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट कई ऐसे हमारे यूट्यूबर भाई यहाँ पे हैं, तान्या थोड़ा आगे आ जाए, तान्या आप आगे आ जाइए, और कई ऐसे यूट्यूबर भाई हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पवन जी के लिए, पावर स्टार के लिए रिपोर्टिंग करते हैं और उन्होंने आपको दिल में बसा रखा है। और इनफैक्ट ये आपको अपने तरफ से आभार भी प्रकट करना चाह रहे हैं, दीपक सर की तरफ से आभार भी प्रकट करना चाह रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी में ये भी भैया एक इतिहास है। मैं बताऊं कि अगर कुछ ये थैंक यू आपके लिए, एक बार जोरदार तालियों से तो इस्तेमाल हो जाए पावर स्टार का। यार तानिया आप इधर आ जाए, बाबू नमस्ते, थैंक यू सो मच। आप तो मेरा भगवान है, कभी अरे बाबू बाबू कौन कहा तो? हाँ सर, बहुत मानते हैं आपको, भगवान को जैसे मानते हैं आपको ऐसे मानते हैं सर, कभी नहीं सोचे थे आपसे हम बात होगा, और इसे हाथ में आपका टैटू भी बना दिया, से प्यार करते हैं आपको सर। सर हम सरकारी जॉब करते थे तो वहाँ से भी छोड़ के हम ये डांस कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा फैन है सर, आपको सामने से कभी देखना चाहते हैं। बेटा बेटा एक सेकंड होल्ड करिए, एक सेकंड, अब कोई देखे सुने। हाँ जी बाबू आइए, बताइए, बोलिए। हाँ सर, आपको हम कभी नहीं सोचे थे आपसे बात होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा बड़े दिन है, और दीपक सर के लिए मेरा ये संभव हुआ है, दीपक सर कलाकार का मर्यादा दिए ये बहुत बड़ा बात है सर, और हम सरकारी जॉब छोड़ के आए हैं सर, आपका फैन नहीं है सर, आपका मेरा भी एक बात सुनो, एक सेकंड सुनो, मेरा भी सुन लो। हम भी कभी नहीं सोचे थे कि आप लोग मुझे ऐसे स्थान पर बिठाएंगे, थैंक यू सो मच। हम भी कभी नहीं सोचे थे कि हमको आप लोग ऐसे स्थान पर बैठाएंगे, अरे थैंक यू बाबू। सर आपको भगवान मानते हैं, भगवान को सब कोई नहीं देखता है, आपको मैंने कुछ क्या बोलेंगे सर, दीपक सर हमको इतना बड़ा मौका दिया है आपसे बात करने का, हम बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश है, नौकरी छोड़कर सर आपके पास आए हैं, आपसे बात होकर कभी नहीं सोचे थे, इसीलिए आप यहाँ पर नौकरिया मत, नौकरिया मत छोड़िए, आपको यहाँ बिहार में रहना है, भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है, आपका गाना सुनना है, आपका काम देखना है, आपको नहीं, बात तो सब करना है, बस अपना जॉब नहीं छोड़ने का। कभी भी आप क्या बोले उसको, मुझे तो लग रहा है कि फोन पे अगर आप ऐसे कहेंगे कि आप आई हो नौकरी छोड़ के हम आपके साथ काम करेंगे तो बहुतों की नौकरियां छूट जाने वाली है। मेरी
लेकिन 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 मैं अगर नौकरी की बात करूं और सम्मान की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि पवन जी से ज्यादा कोई नहीं दिलवाता। बिल्कुल तो ये पावर स्टार ऐसे थोड़ी कह रहे हैं, कोई आपको सर पावर स्टार कहता है, कोई पवन भैया कह रहे हैं, कोई हमारे यहाँ कह रहे हैं कि भैया हेलीकॉप्टर पसीना चीड़ के हमने देखे कि बाप पवन सिंह के, तो ये प्यार है। और आज मैं ढेरों सारी पवन भैया आपको बधाइयां देना चाहूंगा।